नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेट फोर बिगनेस लेवल के ये जो पजल की सीरीज मैंने स्टार्ट की है इसमें मैं सौ पजल्स आप लोगों को करवाने वाला हूं अभी तक टोटल छह पजल्स हो चुके हैं आज कोशिश करेंगे कि तीन पजल करें अगर नहीं भी होते हैं तो दो भी काफी है ठीक है प्रिलिम्स लेवल के पजल रहेंगे बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को बता रहा हूं सारे ट्रिक्स के साथ कि किस तरीके से आप पज़ल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जरूर इस सीरीज को पूरा देखिएगा अगर आप में से कुछ भी नए कोई भी नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इसके पार्ट हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका सेंड कर देता हूं टेलीग्राम का लिंक आपको मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा क्लास के बाद ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये कोर्स मेरा अभी, अभी अभी स्टार्ट हुआ है है तीन क्लास हुई है इसमें अगर आप बेसिक से पूरा रीजनिंग सीखना चाहते हैं एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स में एटी प्लस क्लासेस होने वाली है दोस्तों ठीक है प्रेलिम्स और मीन दोनों की अगर आप चाहते हैं कि मेरे सारे कोर्सेस आप देख सके मैथ्स रीजनिंग रीजनिंग में सारे दूसरे जितने भी एग्जाम होते हैं क्लैरिकल के आरआरबी पीओ का आईबीपीएस क्लर्क का तो सारे कोर्सेस आपको इस प्राइस पे मिल जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो ये है क्वेश्चन जल्दी से बनाइए तीन मिनट का समय आप लोगों के पास तीन मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी दिन से मेंस की क्लास नहीं हुई है मेंस का क्वेश्चन करवाऊंगा कल से एक हफ्ता बचेगा लगभग अभी आप लोगों के पास तो एक हफ्ता मान के चलो पूरे मेंस की क्लासेस होंगी

इस चीज से हम क्या डिसाइड किए जल्दी से बताइए किसी एक चीज को सेट करना पड़ेगा अगर आप दोस्तों चाहो तो आप पूरे नाम को सेट कर सकते हो बट सोचिए फिर आपको पूरी कारों के नाम को बार बार और ये जो सिटीज है इनके नाम को भी बार बार लिखना पड़ेगा जो कि ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं पहली कंडीशन को देखो ओ इधर ओन्स फॉर्ड नॉर स्विफ्ट एंड डज नॉट गो टू राइट नहीं यू नीदर ओन सेक्स यूनॉर गोस टू गोवा हम दोनों ही चीजों को सेट कर सकते हैं या फिर किसी एक चीज को या फिर किसी एक चीज को तो किसको सेट करें आप लोग बताओ कार के नाम को करें सेट चलो ठीक है कार के नाम को सेट कर देते हैं तो कार के नाम आप लोगों को क्या क्या दिख रहे हैं दोस्तों स्विफ्ट एल्टो वैगन आर स्विफ्ट एल्टो वैगन आर इसके अलावा और क्या दिया हुआ है एक्स यू वी फॉर्ड ऑडी एक्स यूवी फॉर्ड ऑडी और क्या बोला है बेंज एंड फरारी ठीक है तो बेंज एंड फरारी हो गया अब दोस्तों इसमें हम आप चाहो तो सिटीज के नाम से भी स्टार्ट कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा नहीं है कि मैंने इससे कर दिया तो आपको भी इसी से करना है कोई ना कोई एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें फंस जाएंगे थोड़ी ज्यादा समय लग जाएगा ठीक है कोई ना कोई एक चीज होगी आप इसमें डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकते तो किसी भी एक से स्टार्ट हो तो अब बोल रहा है ओ नीदर ओन्स फोर्ड नॉर स्विफ्ट मतलब कि फोर्ड और स्विफ्ट ओ जो है वो यहां पर नहीं आएगा और स्विफ्ट में भी ओ नहीं आएगा आगे आपको बोल रहा है एंड डो जो है वो रायपुर नहीं जाता यहां पर लिख देते हैं ओ oh, जो है वो रायपुर नहीं जाता आगे आपको क्या बोल रहा था आर गोज चेन्नई जाता है आगे रहा है यू नीदर ओन्स एक्स यूवी यू जो है वो एक्स यू वी ओन नहीं करता तो यहां पर यू को क्रॉस कर देते हैं नॉर्थ गोज टू गोवा ये गोवा भी नहीं जाता तो यहां पर लिख देते हैं यू गोवा नहीं जाता आगे आपको बोल रहा है पी ईधर ओन्स अल्टो और फोर्ड पी जो है वो या तो अल्टो या तो फोर्ड इन दोनों में से किसी एक जगह पर पी आना चाहिए ऐसा बोला है आपको बोल रहे हैं दोस्तों वन फोर्ड गोज टू हैदराबाद जो भी फोर्ड ओन करता है वो हैदराबाद जाता है ये देखो ये फोर्ड लिखा हुआ है द वन हु ओन्स फोर्ड गोस टू हैदराबाद तो ये बंदा हैदराबाद जाता है यहां पर लिख लेते हैं हैदराबाद ठीक है आगे क्या बोल रहा है आपको एज गोस टू मुंबई बट नीदर ओन्स फरारी नॉर स्विफ्ट एज जो है वो मुंबई जाता है भी नहीं जाता तो पटना को भी पर क्रॉस कर देते हैं और क्या बोले? टी ओन्स वैगन आर टी जो है वो वैगन आर ओन करता है तो यहां पर टी को लिख देते हैं एंड गोज कानपुर और ये कानपुर जाता है तो यहां पर कानपुर को भी लिख देते हैं आगे आपको बोल रहा है यहां पर ओन करता है वो रायपुर जाता है आगे बोल वन हु ओन्स एल्टो नीदर गोवा मुंबई एल्टो वाला ना तो मुंबई जाता है ना तो गोवा जाता है यही बोला है गोवा और मुंबई दोनों जगह नहीं जाता अब दोस्तों बफर हो रहा है रुक जाइए मैं क्वालिटी अपनी कम कर लेता हूं यहां से चलिए अब देखिए दोस्तों तो यहां पर ये सारी चीजें हो चुकी है दोस्तों अब ध्यान से देखिए आप लोगों को क्या क्या चीजें यहां पर पता है कि एस जो है वो मुंबई जाता है ठीक है एस जो है वो मुंबई जाता है अब एस मुंबई के लिए आपके पास कौन कौन सी जगह है भाई दोनों नाम रखने ना मतलब आपको यहां पर एस रखना है और यहां पर मुंबई रखना है तो दोनों स्पेसेस खाली आपको कहां कहां पर दिख रहे हैं एक तो ये वाली जगह दिख रही है पर यहां पर एस नहीं आ सकता मतलब ये जगह गई इसमें क्यू आ चुका है एक ये जगह दिख रही है एस और मुंबई के लिए यहां पर आप रख सकते हो एस और मुंबई को यहां नहीं रख सकते क्योंकि हैदराबाद है यहां नहीं रख सकते रायपुर है यहां नहीं रख सकते टीकानपुर है यहां भी नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर गोवा क्या मुंबई नहीं आएगा और यहां पर एस नहीं आएगा मतलब हमारे पास सिर्फ यही वाली जगह थी चाहो तो एक बार आप खुद से चेक कर लो पूरा स्टक हो गया क्या तो सही चल रही है दोस्तों एक बार रिफ्रेश कर लीजिए मेरी तरफ से तो स्पीड सही चल रही है दोस्तों ठीक है तो यहां पर दोस्तों फिर से बता रहा हूं देखो एस और मुंबई आपको दो स्पेसेस चाहिए यहां पर एस आ नहीं सकता ये वाली जगह पर बस एस और मुंबई आ सकता था एस और मुंबई अब देखो ऊपर में ये भी दो जगह खाली है पर इस वाले में एस नहीं आएगा इस वाले में मुंबई नहीं आएगा तो सिर्फ यही जगह थी और कोई जगह ही नहीं थी ये वाली कंडीशन हो गई हमारी अब देखो दोस्तों हमारे पास और कौन सी कंडीशन है हमारे पास है आर चेन्नई की कंडीशन ठीक है इसको बाद में सेट करेंगे और कुछ बचा क्या हमारे पास गोवा यहां नहीं आ सकता गोवा यहां नहीं आ सकता और यू गोवा नहीं हो सकता ठीक है ओ रायपुर नहीं होगा ये देखो ओ जो है वो रायपुर नहीं होगा तो यहाँ पर ये यह रायपुर वाली जगह पे ओ नहीं आ सकता क्रॉस कर देते हैं अब मेरे ख्याल से ओ की हमारे पास जगह बच रही है ओ रायपुर में नहीं होगा ये दो जगह पे ओ नहीं हो सकता यहाँ पर भी ओ नहीं हो सकता पी के लिए ये दोनों में से कोई एक जगह है आर चेन्नई यू गोवा नहीं होगा यू गोवा नहीं होगा गोवा कहा आ सकता है भाई गोवा यहा, गो यहा, यहां गोवा यहां यू गोवा यू गोवा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है किस चीज़ को सेट कर सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर ओ, ओ, ओ। चलिए एक पॉसिबिलिटी चेक करते हैं दोस्तों एक छोटी सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनाकर देखते हैं ठीक है एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बनाकर देखते हैं ल्टो भी नहीं होगा कोई बोल रहा है कहाँ पर लिखा था भाई यू एल्टो नहीं होगा करके यू नीदर ओन्स एल्टो नॉर स्विफ्ट ठीक है यू देखो देखो दोस्तों ये लाइन मैंने मिस कर दी थी आ, कहां गया यहीं पर कहीं पर था यू नीदर ओन्स एक्स यूवी नॉर गोस टू गोवा टी नहीं यार किसने बोला भाई यू वाला एल्टो नहीं वो कंडीशन नहीं है सारी कंडीशन सही लिखा हूं कुछ गलत लिखा हूं तो बता देना बाकी सब सही है अब देखो दोस्तों यहां पर हम क्या कर सकते हैं हमारे पास जो जो नाम बचे हुए हैं उनको हम देखते हैं हमारे पास टोटल चार नाम बचे हुए हैं अब वो चार नाम जो है देखो दोस्तों मुंबई तो ऑलरेडी हो चुका है इस मुंबई को मैं यहां से हटा देता हूं ठीक है अब हमारे पास टोटल एक दो तीन चार नाम बचे हुए हैं ठीक है एक दो तीन चार नाम बचे हुए हैं वो चार नाम कौन कौन से हैं दोस्तों एक तो है गोवा एक है पटना एक है चेन्नई और एक कौन सा नाम है देखो तो वहां पर दिल्ली ठीक है तो गोवा पटना चेन्नई और दिल्ली ये चार नाम हमारे पास अभी बचे हुए हैं ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं भाई आपको क्या बोला है ये देखो कानपुर हो गया रायपुर हो गया हैदराबाद हो गया मुंबई हो गया थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कानपुर हो गया रायपुर हो गया हैदराबाद हो गया मुंबई हो गया अब आपके पास चार नाम बचते हैं कौन कौन से गोवा पटना दिल्ली चेन्नई ठीक है तो भाई इस वाली जगह पे गोवा नहीं आ सकता पटना नहीं आ सकता आर चेन्नई है तो यहां पर आर चेन्नई भी आप नहीं रख पाओगे तो बचता तो सिर्फ एक ही नाम है वो क्या है दिल्ली इस दिल्ली को आप यहां पर रख दो क्यों में ठीक है अब देखते हैं दोस्तों और क्या बच गया हमारे पास ओ यहाँ एस हो चुका है जो जो हो चुका है उसको मैं हटा देता हूँ ये एस हो चुका है एस मुंबई हो चुका है ठीक है आर चेन्नई आर चेन्नई अभी तक नहीं हुआ है दिल्ली हो चुका है गोवा पटना अभी सेट करना है तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता इसको हटा ही देते हैं यहाँ से पी इन दोनों में से किसी एक पर जाएगा गोवा यहाँ नहीं आ सकता और क्या बच गया हमारे पास ओ यू और एस एस हो चुका है इसको हटा देते हैं चलिए इतनी चीजें हमारे पास बची हुई हैं अब क्या सेट कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि दोनों में से किसी एक चीज को सेट करोगे तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा समय समय लगता है, थोड़ा कम समय लगता है 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 कम ठीक एग्जाम सेट करना है कुछ लोग जो इसको लेकर सेट किए होंगे हो सकता है जल्दी बन गया हो पर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज को पहले पकड़ोगे ठीक है अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं अगर दोस्तों मैं बोलूं आर चेन्नई को रखने के लिए कौन सी जगह बच रही है क्या रख सकते हैं यार आप देख नहीं रहे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कुछ मिस कर गया क्या मैं सेवेंथ लाइन एक दो तीन चार पांच छह सात यू नीदर ओंस एल्टोन और स्विफ्ट हाँ यार ये ये तो है ये देखो यू नीदर ओन्स एल्टोन और स्विफ्ट ये मिस किया शायद मैं ठीक है अच्छा हुआ बता दिया भाई जिसने भी बहुत लोगों ने बताया मैंने ध्यान नहीं दिया यू नीदर ओन्स एल्टोन और स्विफ्ट यू जो है वो एल्टो और स्विफ्ट दोनों ही ओन नहीं करता तो यू यहां पर भी नहीं आएगा यू यहां पर भी नहीं आएगा एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूं यू नीदर ओन्स एल्टोन और स्विफ्ट ठीक है बिल्कुल सही है इससे तो फिर आसान हो गया यार यू यहां पर नहीं आ सकता यू यहां पर नहीं आ सकता यू यहां पर नहीं आ सकता तो यू के लिए सिर्फ आपके पास दो जगह बचती है ये दोनों ठीक है यू के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली दोनों जगह बचती है तो मैं क्या कर सकता हूं भाई यू को ऐसे ऑब्लिक करके लिख लेता हूं या तो यहां या तो यहां पी को भी ऑब्लिक करके लिख लो पी या तो यहां पी या तो यहां अब देखो आपके पास क्या जगह बच रही है भाई यू वाली कंडीशन तो हो गई हमारे पास अब क्या जगह बच रही है देखो यू गोवा नहीं होना चाहिए यू गोवा नहीं होना चाहिए ठीक है और कुछ बचा इसके अलावा आर चेन्नई लेने के लिए अब देखो दोस्तों आर चेन्नई अगर आप लोगों को लेना है अगर मैं पी यहां लेता हूं अगर पी यहां लेता हूँ तो यू यहां हो जाएगा आर चेन्नई इधर हो सकता है अब आर चेन्नई को सेट करना पड़ेगा इसको लेकर गलत है दोस्तों मत करिएगा इसको लेकर ठीक है एक बार ट्राई आप लोग इसको लेकर जरूर करिएगा वो ओ ओ अगर रायपुर में नहीं आएगा वो अगर यहां नहीं आएगा यहां देखो दोस्तों हम ये कर सकते हैं कि अगर ओ ये दो जगह पर और ये वाली जगह पर नहीं एक पॉसिबिलिटी लेता हूं यार छोड़ो इतना सब झंझट करने से अच्छा मैं एक पॉसिबिलिटी लेता हूं इसको सॉल्व कर हूँ ये दिल्ली फिक्स था ठीक है ये दिल्ली फिक्स है एक पॉसिबिलिटी लेकर चेक करते हैं पता चल जाएगा पी यहां आ सकता है यहां आ सकता है एक बार मैं पी को यहां पर लेकर चेक करता हूं अगर मैं पी को यहां पर लेता हूं दोस्तों तो मेरे पास क्या बच रहा है देखो ओ यहां पर नहीं आ सकता ओ यहां पर नहीं आ सकता ओ यहाँ पर नहीं आ सकता तो ओ यहीं पर आएगा तो ऐसे केस में आर चिन्हने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बचेगी अब देखो गोवा अगर यहां नहीं आ सकता तो गोवा सिर्फ यहां पर आएगा तो और क्या बच गया आपके पास एक नाम क्या बच गया था हमारे पास गोवा पटना बचा था पटना यहां पर हो जाएगा ठीक है अब देखो दोस्तों यू जो है अगर वो यहां पर नहीं आ सकता तो यू यहां पर आएगा जो बच गया उसको यहां पर रख दो क्वेश्चन सॉल्व सही है क्या एक बार चेक करके बताइए एन एन है इसको यहां पर रख देते हैं सही है क्या एक बार चेक करके बताइए कुछ गलत तो नहीं है एक पॉसिबिलिटी थी ठीक है ना ये पॉसिबिलिटी थी जरूरी नहीं है ये सही हो इसके बाद वाली एक पॉसिबिलिटी बनती वो भी गलत हो सकती थी दो पॉसिबिलिटी थी मैंने एक चेक किया कि पी को मैंने यहां ले लिया पी को यहां लेते तो दूसरी पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगा भाई एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करना है आगे बढ़ना है अगर तो खुद कर लोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे अगर नहीं कर पाओगे तो मैं चेक करके बता देता हूँ बढ़ते हैं चलिए ठीक है इसको आंसर चेक कर लेते हैं पहले दोस्तों आर पी पे इसको ना नाम से देखना पड़ेगा हमको एन रायपुर एक्स यूवी एन रायपुर एक्स यूवी ठीक है ओ गोवा फरारी ओ गोवा फरारी ये भी सही है पी पटना एल्टो तो देखो यहां पर पी पटना एल्टो ये भी सही है उसके बाद फिर क्यू दिल्ली बेंस क्यू दिल्ली बेन्स ये भी सही है आर चेन्नई स्विफ्ट आर चेन्नई स्विफ्ट ये भी सही है एस मुंबई ऑडी एस मुंबई ऑडी ये भी सही है उसके बाद टी कानपुर वैगन आर टी कानपुर वैगन आर तो एक जो बज गया वो तो सही होगा हंड्रेड परसेंट है, ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था दोस्तों कार्स को सेट करने से जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए कंफ्यूजन हुआ हो एक चीज को याद रखिएगा पजल बनाने के लिए एक बंदे से पांच मिनट लगते हैं एक बंदे के तीन मिनट भी लगते हैं किसी किसी के दो मिनट भी लगते हैं तो ये फर्क पड़ता है ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लियो तो हर पजल आपसे दो मिनट में ही बनेगा कुछ कुछ पजल ऐसे होते हैं जिसमें आप फंसोगे जरूर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ आगे बढ़ते जाओ ज्यादा सोचना नहीं है चलिए इसमें आज एक जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एज निकालने की ट्रिक बताऊंगा तीन मिनट का समय है जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए बात नहीं करते एकदम हाँ थोड़ा सा तबीयत सही नहीं चल रही है काफ़ी दिनों से आज नेटवर्क का शायद कुछ इशू है दोस्तों तभी बार बार स्टक हो रहा है तो नॉर्मली ऐसे स्टक होता नहीं है दो दो कनेक्शन लगे हुए हैं यहाँ पर एयरटेल जियो दोनों लगा हुआ है अमन जी आरबीआई ग्रेड बी के रीजनिंग का तो हो जाएगा क्योंकि एस बी आई पीओ आई बी पी एस पीओ लेवल का ही होता है उसमें रीजनिंग पहले पूरे मेथड के ट्रिक बताओ ऐसा नहीं होता है पहले पूरे मेथड के ट्रिक बताओ फिर पजल बताओ ऐसा नहीं होता ऐसा होता ही नहीं है तो मैं वैसा कैसे करवा सकता हूं पजल बनाओगे तभी तो उसमें ट्रिक सीखोगे। पहले ट्रिक सीखोगे ऐसा कैसे हो सकता है चलिए काफी लोगों का आंसर आ रहा है डन का देखते हैं जिनसे नहीं बना नो लिख दीजिए एक बार जल्दी से एट परसेंट डीसीडीए बोर्न इन डिफरेंट इस एजेस ऑफ़ दिवन बीन कैल ऑन बेस ईयर टू थाउजेंसर कंसिडर टू बी बॉर्न ऑन सेम डेट ऑफ सेम मंथ ठीक है अब देखिए दोस्तों जो भी ईयर दिए ना उनको आप लाइन से लिख लीजिए क्या क्या दिया है 1973. आप पूरा सिर्फ, पूरा 1919 लिखने की जरूरत नहीं है आप सीधा सेवेंटी थ्री एटी वन ऐसा लिख सकते हो लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूँ ठीक है नए स्टूडेंट्स के हिसाब से तो 1987 ऐसे लाइन से लिख लीजिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1993, 1997, फिर 2002, 2005, 2008। अब दोस्तों करना क्या होता है ना इसमें एज निकालनी होती है सबसे पहले जो कि बहुत सारे लोग तो निकालने में बहुत टाइम लगा देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स एज निकालने में इतना समय लगा देते हैं फिर बोलते हैं पांच मिनट लग गया सर पजल बनाने में तो ऐसा नहीं है दोस्तों आपको सिर्फ आखिरी वाले की निकालनी है भाई जो बंदा 2008 में बॉर्न हुआ है वो 2018 में कितनी एज का होगा 2008 में जो बॉर्न हुआ है 2018 में कितनी एज का होगा 10 साल का होगा ये हो गया 10 साल अब आपको इसकी एज निकालने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है 2008 से तीन साल पहले यहां तीन माइनस हो रहा है ना तो यहां तीन बढ़ा दो यहां भी तीन माइनस हो रहा है फिर से तीन बढ़ा दो यहां पर देखो दोस्तों पांच कम हो रहा है पांच बढ़ा दो यहां पर देखो चार कम हो रहा है चार बढ़ा दो यहां पर देखो दोस्तों तीन और तीन छह कम हो रहा है तो छह बढ़ा दो यहां एटी सेवन से छह कम हो रहा है छह बढ़ा दो एटी वन से आठ कम हो रहा है तो इसमें आठ बढ़ा दो ये सबकी एज आ गई ये तरीका फॉलो करेंगे अगर आप लोग तो एज आप तुरंत निकाल सकते हो विद इन टेन सेकेंड्स फिर से बता रहा हूं एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से जो भी नहीं सुन पाया भाई ध्यान से सुनिएगा कैसे हमने एज निकाली सभी की ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में खास आता है प्रीलिम्स में चाहे काम आए या ना आए मेंस में जरूर काम आएगा पहले तो आख... पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा लिख लो जो भी आखिरी बंदा है उसका बेस ईयर से एज निकाल दो 2018 दिया हुआ है दो हजार 10 साल का डिफरेंस है मतलब ये दस साल का बंदा है बंदा है या बंदी है जो भी है अब 2008 से इधर पांच का डिफरेंस दिख रहा है ये देखो सॉरी तीन का डिफरेंस दिख रहा है 2008 से 2005 में तो तीन इधर बढ़ा दो इधर माइनस होगा इधर प्लस होते जाएगा यहां से देखो तीन डिफरेंस है ये तीन बढ़ा दो यहां पर देखो पांच का डिफरेंस है यहां पांच बढ़ा दो यहां देखो चार का डिफरेंस है चार बढ़ा दो यहां पर देखो नाइन्टी से एट्टी सेवन का डिफरेंस है छह बढ़ा दो एट्टी से फिर छह का डिफरेंस है फिर छह बढ़ा दो एटी वन सेवनटी थ्री आठ का डिफरेंस है फिर आठ बढ़ा दो तो ये सबकी एज निकल गई अब आपको क्या बोल रहा है दोस्तों द एज ऑफ बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर बी का जो एज है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है बी का एज परफेक्ट स्क्वायर है यहां पर कौन कौन से ऐसे नंबर है जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखते हैं एक तो सोलह एक तो सोलह दिख रहा है भैया आपको परफेक्ट स्क्वायर एक आपको पच्चीस दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर चाहो तो ऐसे दो पॉसिबिलिटी बना लो एक बार बी को यहां ले लो एक बार बी को यहां ले लो जरूरत नहीं पड़ती है सब चीजों की पर बिगिनर हो तो कर सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बी एंड ई इज परफेक्ट स्क्वायर बी और ई e की जो डिफरेंस है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं बी और ई e का डिफरेंस मतलब ऐसे मॉड लगेगा ये भी एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए ठीक है आगे बोल है एच बॉर्न सिक्स ईयर एफ एच बॉन सिक्स ईयर आफ्टर एफ मतलब कि एफ प्लस सिक्स इज इक्वल टू एच बोल सकते हैं ये बोल सकते हैं कि नहीं हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से देखते हैं कितने लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड सही चल रहा है अभी कितने लोग सो रहे हैं जल्दी करो कमेंट भाई जो यस yes बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं जो नो no बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं दोस्तों देखो अगर एफ की एज की बात करेंगे तो एज के हिसाब से एफ से छह साल बाद बॉर्न हुआ है एफ से छह साल बाद बॉर्न हुआ है तो एज जब लोगे तो एफ प्लस सिक्स इज इक्वल टू एच आएगा ठीक है लेकिन जब ईयर की बात करोगे तो एच माइनस सिक्स इज टू एफ आएगा समझ में आया मैंने बताया था ना भाई ईयर जो है वो माइनस होते जा रहा है तो इधर ये प्लस होते जा रहा है तो अगर आप एफ में छह साल बढ़ाओगे और एच की अगर एज आ रही है तो जो एच का ईयर होगा जो भी एच का ईयर होगा उसमें छह साल आप कम करोगे तब एफ का ईयर आएगा तो दोनों ही सही बोल रहे हो कंफ्यूज क्यों हो रहे थे एक आंसर क्यों दे रहे थे किसी ने भी नहीं लिखा कि दोनों सही है किसी ने भी नहीं लिखा दोनों सही है दोनों सही है ना भाई एज निकालोगे तो एफ प्लस सिक्स टू एच अगर आप उसका ईयर तो आ जाएगा, जाएगा। तो हाँ आपको क्या बोल देखो H born six years after F, तो तो ईयर की बात हो रहा है तो ये वाला यूज कर सकते हैं हम कर सकते हैं पर इसको भी यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अब क्या बोल सेम डिफरेंस बिटवीन ए एंड आई इज सेम एज बिटवीन आई एंड डी इसका भी एक आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट्स है ध्यान से सुनिएगा कभी भी अगर आपको बोलते हैं ना ई e और आई के बीच का जितना डिफरेंस है उतना भी डी और आई के बीच में डिफरेंस सेम होगा ये दोनों सेम है तो ऐसे केस में क्या होता है जो कॉमन होता है ना वो इन दोनों के एग्जैक्ट मिडिल में आ जाता है एग्जैक्ट मिडिल में मतलब ये कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी ई e, आई डी अब हो सकता है इनके बीच में एक एक पर्सन आए हो सकता है ई e, आई डी लाइन से आ जाए हो सकता है ई e से दो पर्सन छोड़कर आई फिर दो पर्सन छोड़कर डी आ जाए मतलब इसके तीनों पॉसिबिलिटी में लिख देता हूं ई e ई एक छोड़ I, एक छोड़कर छोड़कर आई डी या फिर e से दो छोड़कर आई दो छोड़कर डी तो ये चीजों को याद रखिएगा ये सब चीजें बार बार मैं नहीं बताऊंगा ठीक है ना ये सब चीजें याद रखिएगा जब भी ऐसा कुछ कॉमन मिल जाए ना अगर ई e और आई के बीच में जितने लोग हैं डी और आई के बीच में जितने लोग हैं अगर आपको ऐसा दिया जाता है तो जो कॉमन दिख रहा है वो इन दोनों के एग्जैक्ट मिडिल में आता है एग्जैक्ट मिडिल मतलब हो सकता है कि ई आई डी लाइन से आ जाए हो सकता है ई e से एक छोड़कर आई फिर एक छोड़कर डी आ जाए या फिर ई e से दो छोड़कर आई फिर दो छोड़कर डी आ जाए तो ये तीनों ही चीजें होंगे क्लियर है और देखो क्या बोल रहा है सीज एज इज मल्टीपल ऑफ फाइव सी का जो एज है वो मल्टीपल ऑफ फाइव है तो सी का एज क्या क्या हो सकता है दोस्तों ये देखो, ये देखो टेन पे हो सकता है सी ठीक है सी का एज यहां पर हो सकता है फोर्टी फाइव पे सी का एज हो सकता है चलो अब बनाते हैं दोस्तों इसको कहां से स्टार्ट कर सकते है? कोई बता सकता है बी और ई e वाले से स्टार्ट कर सकते हैं बी और ई e वाले से स्टार्ट कर सकते हैं कर सकते हैं ना अरे भैया ये एज नहीं है। फिर कोई लिख रहा है सर F is greater than H. अरे ये एज नहीं है भैया लिखा है मैंने है ये एज है तो F की एज जो है वो एच से बड़ी है पर ईयर तो कम होगा ना आप 95 फाइव बॉर्न हो ठीक है मैं 93 थ्री बॉर्न हूं आपसे दो साल बड़ा हुआ ना मैं दो साल बड़ा हूं पर मेरा ईयर तो कम हो रहा है तो अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या करना है भाई बी से ई e वाला देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए कैसे निकालोगे एक एक करके चेक करेंगे इस वाले को पहले चेक करते हैं अगर मैं बीस सोलह से तीन तक का डिफरेंस देखू ये देखो सोलह और तीन तीन आ रहा है जो कि स्क्वायर नहीं होता सोलह से दस छह आ रहा है जो कि स्क्वायर नहीं होता सोलह से इक्कीस पांच आ रहा है जो कि स्क्वायर नहीं होता सोलह से पच्चीस नौ आ रहा है जो कि स्क्वायर होता है यहां आ सकता है और देखो सोलह से इकतीस अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाता है भाई टोटल पंद्रह हो जाता है जो कि स्क्वायर नहीं है पंद्रह पांच बीस हो जाता है जो कि स्क्वायर नहीं है 20 और आठ 28 हो जाता है जो कि स्क्वायर नहीं है मतलब सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है ई के लिए करके देखो जल्दी से बताओ मुझे हाँ या ना? यही जगह दिख रही है दिख रहा है ना भाई ई अब इस वाले में देखते हैं भाई पच्चीस से अगर मैं ऊपर की तरफ चेक करूं तो पच्चीस से इकतीस यानी कोई डिफरेंस नहीं 6 में अगर मैं और ऐड कर लूं बारह वो भी मतलब स्क्वायर नहीं होता बारह में आठ ऐड कर लू बीस वो भी स्क्वायर नहीं होता अब इधर डिफरेंस देखते हैं पच्चीस में इक्कीस चार ये हो सकता है ई यहां पर आ सकता है पच्चीस में सोलह नौ यहां पर भी आ सकता है पच्चीस से तेरह बारह नहीं आ सकता पच्चीस से दस पंद्रह नहीं आ सकता तो ये दो जगह बन रही है तो पहले ये वाले को चेक कर लेते हैं उसके बाद इस पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे ठीक है इक्कीस पे भी आ रहा है कौन है भाई कौन है सिर्फ पच्चीस सोलह बोल रहा है इक्कीस भी तो आ रहा है ये वाले में भाई पच्चीस इक्कीस कितना डिफरेंस है चार का डिफरेंस है ना चार स्क्वायर नहीं होता क्या दो का कैसे कर दे रहे हो यार अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को क्या करना है कि ई को जब आप यहां पर रखते हो तो ई से आप क्या क्या चीजें बना सकते हो देखो ई से एक छोड़कर आई नीचे तो बना नहीं सकते ई से एक छोड़कर आई आप ऊपर बनाओगे तो एक छोड़कर डी नहीं बना पाओगे पॉसिबल नहीं है ई से दो छोड़कर आई बनाओगे तो भी आप ऊपर नहीं बना सकते ई से दो छोड़कर आई बनाओगे तो नीचे नहीं बना सकते मतलब ये दोनों ही चीजें इसमें लागू नहीं हो रही तो डेफिनेटली ई आई डी लाइन से ही आएगा अब इन दोनों में भी एक काम करते हैं किसी एक जगह पर लेकर स्टार्ट कर ही देते हैं मान लेते हैं चलो ई यहां पर है ठीक है अब देखो ई से एक छोड़कर आई एक छोड़कर डी में ले सकता हूं ई से एक छोड़कर आई एक छोड़कर डी में ले सकता हूं ले लेते हैं ई से एक छोड़कर आई एक छोड़कर डी पॉसिबिलिटीज बन रही है बहुत सारी टेंशन मत लेना ठीक है ना अब देखो दोस्तों आपके पास कौन कौन सी जगह बच गई है देखो यहां पर सी नहीं आ सकता यहां पर सी नहीं आ सकता तो सी यहां पर आ जाएगा और देखो क्या है भाई एफ प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू एच एफ प्लस सिक्स इज इक्वल टू एच ये कंडीशन गलत हो जाएगी यहां पर देखो एफ प्लस सिक्स इज इक्वल टू एच ये वाली कंडीशन यहां पर गलत हो जाएगी ये पॉसिबल नहीं है ठीक है इसको हटा रहा हूं मैं ये चीज पॉसिबल नहीं है कहा क्या लिखा था यार मैं e, I वाला ठीक है ये चीज पॉसिबल नहीं थी कंडीशन गलत है अब दूसरी चीज देखते हैं इसमें दूसरी चीज क्या है ई आई डी अब देखो दोस्तों आपके पास क्या चीज है आपके पास है कि एफ में प्लस छ करेंगे तो एच आ जाएगा तो अगर मैं एफ को यहां पर रखता हूं थर्टी सेवन पे यहां पर थर्टी वन पे अगर मैं रखता हूं एफ को प्लस छ करूंगा तो यहां पर आ जाएगा एच क्या बोला इस वाली लाइन को पढ़िए एच बॉन सिक्स आफ्टर एफ छह साल बाद होता है एफ एफ F, F के छह साल बाद बॉन होता है मतलब एच और एफ ये चीज हो सकती है और कुछ पॉसिबल है क्या इसमें और कुछ पॉसिबल है इसमें जल्दी बताओ पर्सन डिफरेंट नहीं है सर हाँ डिफरेंस ही तो सेम है बोल रहा हूँ ना और क्या चीज़ बोला अच्छा ये चीज़ का ना द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ई एंड आई सेम एज बिटवीन आई एंड डी ठीक है ठीक है ठीक है, है दोस्तों एक मिनट गड़बड़ हो गई हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई दोस्तों यहाँ पर इसको सबको इरेज करना पड़ेगा पर्सन नहीं बोला यहाँ पर यहाँ पर एज की बात किया है इसको फिर से बना, बनाना पड़ेगा फिर से बनाना पड़ेगा वाली वाली लास्ट वाली जो कंडीशन है ये गलत हो गई हमसे। देखो यहां पर क्या बोला है? E तो यहां पर ना हम पूरा इसका डिफरेंस को पहले लिख लेते हैं डिफरेंस कितना कितना है दोस्तों मैं डिफरेंस लिख लेता हूं दस से तीन ये जो डिफरेंस ये तीन का डिफरेंस है प्लस तीन है ये वाला प्लस तीन है ये वाला प्लस चार और एक पाँच है ये वाला प्लस इक्कीस से पच्चीस यानी चार है ये वाला प्लस पच्चीस से छः है प्लस छः है प्लस आठ है टोटल देख लेते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा प्लस तीन प्लस तीन और ये प्लस छः और ग्यारह ये कुछ ऐसा डिफरेंस आएगा दोस्तों इससे देखना पड़ेगा वेट करो थोड़ा सा ठीक है गलत हो गया है ठीक है यहां पर आप लोगों को फिर से बता देता हूं दोस्तों कुछ लोगों को डाउट आ गया होगा पीओ लेवल है ना एग्जैक्ट पीओ लेवल है कोई क्लर्क लेवल मत समझ लेना क्या बोले द डिफरेंस बिटवीन द एजेस इस पर फोकस करिएगा एज का जो डिफरेंस है यहां पर पर्सन नहीं काउंट करना ई आई डी ई से एक पर्सन छोड़कर आई एक पर्सन छोड़कर डी इससे कोई मतलब नहीं है जो भी डिफरेंस आ रहा है जैसे कि छह का डिफरेंस है तो छह का डिफरेंस होना चाहिए छह का डिफरेंस है तो छह का डिफरेंस होना चाहिए और कुछ नहीं तो अगर दोस्तों मैं एक एक पॉसिबिलिटी यहां पर चेक करता हूं भाई बी से मुझे क्या पता है बी और ई e के बीच में स्क्वायर आना चाहिए ये वाली एक कंडीशन मुझे दिख रही थी पहले मैं इसी को सेट करूंगा तो बी से ई e मुझे सिर्फ यहीं पर दिख रहा है सोलह से पच्चीस यानी नौ का डिफरेंस जो कि स्क्वायर होता है ठीक है तो यहां पर ई e आ गया अब ई e से आपको यह देख रहे हैं कि आई तक का जितना भी डिफरेंस होगा एज का ई e से आई का जितना भी डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस आई से डी का होना चाहिए मतलब दो एज के डिफरेंस आपको कहां कहां पर सेम दिख रहे हैं इसमें देखो तीन तीन छ और छ बस दो ही दिख रहे हैं तीन तीन छ और छ ये दो ही दिख रहे हैं अगर मैं ई से छ तक जाता हूं ध्यान से देखना ई से अगर मैं यहां तक जाता हूं तो मुझे कितने का डिफरेंस दिख रहा है ई से छह तक ये यहां पर 93 से अगर ये 25 से मैं 31 तक जाता हूं तो मुझे छह का डिफरेंस दिख रहा है यहां पर दिख रहा है ना छह का डिफरेंस मतलब अगर मैं यहां पर आई को लूंगा तो डी यहां पर होगा कंफर्म है ये चीज कन्फर्म है कि नहीं भाई जल्दी बताइए अगर ई यहां पर है अगर मैं छह का डिफरेंस लेकर आई को यहां ले लू तो एज छह का ही डिफरेंस होकर यहां पर आएगा और तो कहीं आ नहीं सकता क्योंकि भाई नीचे पॉसिबल नहीं है ना ये यह देखो यहां पर बी आया हुआ है अब अगर डी आई ई बी हो चुके हैं तो अब हमारे पास क्या चीजें बचती है दोस्तों देखो यहां पर एफ प्लस सिक्स एच गलत हो रहा है यार क्या गलत हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है आज के पजल कुछ अजीब टाइप के लग रहे ट्रिकी एच माइनस सिक्स टू एफ ईयर वाले को हटा देते हैं इससे पढ़ेगा एफ में छे ऐड करने से एच आना चाहिए अगर मैं एफ को यहाँ पर लेता हूं तो एच यहाँ पर आ जाएगा तेरह से इक्कीस इसमें भी गलत होगा एक और छह वाला डिफरेंस देख लेते हैं एफ प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू एच ये तो छ हो गया इस पे आ नहीं सकता एफ प्लस एच छ का डिफरेंस है एफ में छः ऐड किए तो h की ये जा गई ठीक है आई डी लेना है तो ये तीन और तीन वाला आ सकता है आई डी आई आईडी नीचे आएगा ठीक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था दोस्तों ई आई डी यहाँ पर आएगा ये हो गया सॉल्व अब देखो सी यहाँ नहीं आ सकता सी यहाँ नहीं आ सकता सी यहाँ आएगा एक नाम क्या बच गया है पी सी डी एफ बी सी डी ई एफ जी एच जी बचा था जी यहां पर आएगा एक बार चेक करके बताओ सही है तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा गलत होगा तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कुछ या तो मैंने गड़बड़ कर दी यार क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं हलवा है अगर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली हलवा होगा ऐसे ही छूट तो नहीं बोलेंगे इतनी देर तक जो लोग रुके हैं क्लास में शायद मैंने कुछ गलती कर दी मैंने कुछ गलत कंडीशन उठा ली इस वजह से इतना टाइम लग गया एक्टर एफ एच गलत है क्या बोला था एफ और एच H का एच बॉन सिक्स आफ्टर अच्छा एच बॉन सिक्स आफ्टर एफ मतलब एफ पहले आएगा बोला है क्योंकि तो एच और एफ को रख देते हैं ठीक है अब सही है ना सी एफ एच बीजी आई डी एफ एच -E है इसको ना दोस्तों एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं ठीक है इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं जिनको जाना जा सकते हैं दोस्तों छुट्टी होगी जिनको समझना है थोड़ा सा वेट करिए एक बार कंडीशन को फिर से पढ़ के मैं एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि कुछ तो मैंने गड़बड़ की है क्या गड़बड़ किया मैं समझ में नहीं आ रहा है शायद कुछ डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए थी हमको ठीक है दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर शुरुआत से देखते हैं यहाँ पर द एज ऑफ बी इज परफेक्ट स्क्वायर बी की जो एज है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि या तो सोलह पे आएगा बी या तो पच्चीस पे आएगा बी इसके अलावा और कहीं आ नहीं सकता इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को और क्या बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बी एंड ई इज परफेक्ट स्क्वायर बी और ई e का जो एज का डिफरेंस होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ठीक है उसके बोला एच बॉर्न सिक्स ईयर्स आफ्टर एफ एच बॉर्न सिक्स ईयर्स आफ्टर एफ मतलब एफ के छ साल बाद एच बॉर्न हुआ है अब हो रहा था डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ई एंड आई इज सेम E और I के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो सेम होगा I और D के बीच का ठीक है और क्या बोला C सी एज मल्टीपल ऑफ फाइव तो C की एज जो है वो या तो टेन हो सकती है या तो ट्वेंटी फाइव हो सकती है या तो फोर्टी फाइव हो सकती है यहां पर करना क्या था दोस्तों इससे स्टार्ट करना चाहिए था ये गलती हमने की थी कि हम इससे स्टार्ट नहीं किए वरना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता जैसे कि देखो यहां पर क्या करना पड़ता हमको F से से छोड़कर छोड़कर लेना था 45 से 6 कुछ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा 45 से छोड़कर कुछ भी नहीं दिख रहा थर्टी नाइन आता है ना नहीं दिख रहा थर्टी सेवन से छोड़कर थर्टी वन दिख रहा है इसको आप पहले सेट कर दो दूसरी चीज देखो आप थर्टी वन से ट्वेंटी आपको दिख रहा है तो यहां पर एफ रखो ये एच रखो और देखो ट्वेंटी फाइव से छ कुछ नहीं हो रहा है सोलह से क्वेश्चन तो होगा ट्राई करके बी की जो पॉसिबिलिटी प्रो, प्रो, बन रही है वो क्या क्या बन रही है अगर मैं बी को यहां पर लेता इनकेस लेट सपोज कि मैं बी को यहां पर ये वाली जगह पर लेता हूं तो क्या हो जाएगा भाई बी को लेने से आपको पता है बी और ई का डिफरेंस स्क्वायर होना चाहिए यहां से कुछ स्क्वायर दिख रहा है क्या देखो सोलह से पॉसिबल नहीं है 16 से नीचे तेरा तीन पॉसिबल नहीं है सोलह से नीचे छह पॉसिबल नहीं है सोलह से सैतीस पॉसिबल नहीं है सोलह से 45 अगर आप लेते हो तो भी पॉसिबल नहीं है मतलब यह कंडीशन पूरी गलत हो रही है क्योंकि बी को आप यहां पर ले नहीं सकते पूरी कंडीशन आपकी गलत हो गई इस वाले में देखो दोस्तों बी यहां पर आ नहीं सकता तो बी को यहीं पर लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा ना बी को यहां पर अब देखो बी का और ई का जो डिफरेंस है वो स्क्वायर होना चाहिए तो बी पच्चीस से यहां देखोगे छह पॉसिबल नहीं है सॉरी चार ये पॉसिबल है सिर्फ ई e यहीं पर आ सकता है और कहीं पर आ सकता है क्या छह बारह बीस नहीं आ सकता नीचे देखो तेरह पच्चीस से बारह नहीं आ सकता तो सिर्फ यही चीज पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल ही नहीं है ठीक तो ये दो पॉसिबिलिटीज को अब हम चेक करेंगे बी ई एफ एच और इधर ये वाली अब देखो दोस्तों इसमें दो आपके पास बी बचते हैं इसमें आप दो जगह पर बी ले सकते हो दो जगह पे बी ले सकते हो अगर मान लो मैं बी को यहां पर लेता हूं तो ई को रखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचेगी ये सोलह वाली और कोई भी जगह नहीं बचेगी करके देख लो पच्चीस से पैतालीस होता है जो कि स्क्वायर नहीं होता 25 से अच्छा ये भी हो सकता है यार ई यहां पर भी हो सकता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ई को पहले इधर चेक कर लेते हैं फिर नीचे चेक कर लेंगे ठीक है तो ये देखो ये चार का डिफरेंस दिख रहा है जो कि एक स्क्वायर है तो ये भी चीज हो सकती है बी और ई का डिफरेंस स्क्वायर होना चाहिए अब ई e से बोला है कि ई e से आई आई से डी का डिफरेंस सेम होना चाहिए तो इक्कीस से सोलह पांच हो रहा है फिर पांच के बाद तीन तीन के बाद तीन पॉसिबल नहीं है मतलब डेफिनेटली ई e ये वाला लेना चाहिए था अब देखो ई e से ये तीन का डिफरेंस दिख रहा है आई और फिर आई से फिर तीन का डिफरेंस दिख रहा है तो ये हो गया डी अब क्या बचा दोस्तों सी रखने की यहां पर जगह नहीं है तो सी को यहां पर रखेंगे बचा था बचा क्या था यार जी बचा था जी को यहां पर रखो क्वेश्चन सॉल्व सी सी एफ एफ एच एच बी बी जी जी ई ई आई आई डी डी बिल्कुल सही तो एक कंडीशन हमने गलत ली जिस वजह से हमको बहुत ज्यादा समय लग गया और ये चीजें होती रहती है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है आप ऐसा सोचकर बिल्कुल भी मत चलिएगा कि सारे क्वेश्चन एकदम बस आराम से बन जाएंगे बनते भी हैं ऐसा नहीं है दस एग्जाम दोगे दस में से नौ एग्जाम तो बहुत ताबड़तोड़ बनाकर आओगे पूरे पैंतीस में पैंतीस

टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन करना बहुत जरूरी है एट द रेट बैंकिंग क्रॉनिकल एन के आई एन जी सी एच आर ओ एन आई सी एल आप सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हर क्लास के लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके बैंकिंग क्रॉनिकल वाई टी इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहते हैं तो एक लिंक मैंने दी हुई है ऐप की अंकुश लांबा 2.0 मेरा ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए वहां पर आपको अनलिमिटेड अनलिमिटेड तो नहीं बोलेंगे करीब करीब चार पजल्स के पी मिल जाएंगे सौ डीआई के पीडीएफ मिल जाएंगे आप उनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों टारगेट बैच नाम से एक ऐप मिल जाएगा आपको इस नाम से एक ऐप मिल जाएगा आपको या फिर वेबसाइट अगर आप देखना चाहते हैं तो टारगेट बैच ट्वेंटी ट्वेंटी डॉट कॉम इसमें आपको अनलिमिटेड पीडीएफ मिल जाएंगे प्रीलिम्स के 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 मेंस मेंस पजल्स हैं अभी सिर्फ बाकी के, के टॉपिक में धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं पर प्रीलिम्स के अनलिमिटेड अभी तक करीब करीब दोस्तों हजार से ज्यादा पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं उसमें ठीक है हर पीडीएफ में कम से कम चालीस पचास पेज है मतलब पचास हजार पेज से ज्यादा है उसमें बहुत कुछ है आप कर सकते हैं पीडीएफ सारे एक साथ नहीं खुलते धीरे धीरे खुलते हैं कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं ये क्वेश्चन होमवर्क है दोस्तों इसको जरूर बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये ट्वेंटी टू हंड्रेड का सब्सक्रिप्शन है इसमें आप आठ महीनों तक मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं दिन की दो क्लास होती है वीकली अप्रोक्स दस क्लास होती है मंथली अप्रोक्स चालीस क्लास होती है तो आठ महीनों में तीन सौ बीस क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी इस प्राइस पर ठीक है चलिए थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में